नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। इस वक्त लखनऊ से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला। वहीं संयुक्त सीपी पीयूष बोरिया ने कहा है कि उन्होंने अनुमति नहीं ली थी, फिर भी उन्होंने एक मार्ग सौंपा गया था जिससे यातायात की भीड़ नहीं होती, उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। हमारे पास उन्हें यहां रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, यदि वो निर्धारित मार्ग लेते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। वहीं इसी पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी जिसे मार्च का नाम देकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, वो जनता के हितों से जुड़ा हुआ है ही नहीं। अगर उन्हें जनता से जुड़े किसी मुद्दे पर चर्चा करनी है तो सदन में करनी चाहिए, जो कार्रवाई का हिस्सा बने। सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो राजभवन से पहले अखिलेश यादव का काफिला रोका गया, बैरिकेटिंग लगाकर अखिलेश के विधायकों को रोका गया है। अखिलेश यादव के साथ सभी विधायक पैदल मार्च में शामिल थे, हाथों में तख्ती लेकर विरोध जता रहे थे। पार्टी कार्यालय से चंद कदमों की दूरी पर यह काफिला रोका गया। पुलिस के अधिकारी मान मनोबल में जुटे रहे। सपा के पैदल मार्च के चलते विधानसभा के पास बैरिकेटिंग, विधानसभा के पास चारों तरफ प्राइवेट वाहनों को भी आने जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। सपा के पैदल मार्च को लेकर प्रशासन ने व्यवस्था की, फिलहाल एक तरफ के रास्ते को खोला गया है, विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। कल तक के लिए लखनऊ विधानसभा की जो कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई है। तो लखनऊ की तस्वीरें आप देख सकते हैं, अखिलेश यादव विधायकों के साथ पैदल मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी दानिश मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दानिश, अखिलेश यादव का पैदल मार्च जनता के लिए कितना हितकारी, क्योंकि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अगर उन्हें किसी भी मुद्दे पर चर्चा करनी है तो सदन में करें। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य हमेशा उलझाते हैं, और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ये आज धरना प्रदर्शन किया गया था, इसमें महंगाई से लेकर बेरोजगारी और चिकित्सा स्वास्थ्य को लेकर के भी धरना प्रदर्शन समाजवादी पार्टी कर रहा है। समाजवादी पार्टी में इस धरने को लेकर के उनको विधानसभा में दो दिन पहले सदन में घुसने नहीं दिया गया था, और आज केशव प्रसाद मौर्य ये बात कह रहे हैं कि वो सदन में बात कहें, तो सड़क पर वो बात बोल नहीं सकते और सदन पर मनाही है। तो ये दो तरफा खेल है, और समाजवादी पार्टी जो है इसको लेकर के आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि अखिलेश यादव खुद उस धरने में शामिल है, और इसके लिए इसको देखते हुए सदन जो है कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो सत्र अभी शुरू भी नहीं हुआ, पहले ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर के अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक लेकर के तख्तियां लेकर के विधानसभा से लेकर के लखनऊ से हजरतगंज चौक होते हुए ये धरना प्रदर्शन ये कर रहे हैं, जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था में काफी बदलाव किया गया है। किन किन मुद्दों को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया गया, और अगर प्रदर्शन ही करना था, जैसा कि यहाँ पर सरकार लगातार कह रही है कि अगर विपक्ष को किसी भी मुद्दे पर चर्चा करनी है वो तो सदन में कर सकती है, लेकिन दो दिन पहले हमने कुछ तस्वीरें देखी थी जहाँ पर अखिलेश यादव के आवास के बाहर जो है वो पूरा पुलिस बल लगा दिया गया था, विधायकों को नजरबंद कर दिया गया था घरों के अंदर। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि दो दिन पहले अखिलेश यादव जब धरना प्रदर्शन की तैयारी करते हैं प्रोटेस्ट को लेकर के, तो उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में एक नया चलन चला है कि कोई भी बात का विरोध प्रदर्शन हो तो पहले जाकर के उसको हाउस अरेस्ट कर लो, यानी उसको बाहर ही मत निकलने दो। जब वो बाहर निकलेगा नहीं तो किसी बात का विरोध प्रदर्शन होगा नहीं। दूसरा, सदन में जाने के लिए अनुमति दी नहीं गई, मीडिया पे कवरेज पर भी रोक लगाई गई। आज विरोध प्रदर्शन समाजवादी पार्टी जो कर रही है, लेकिन यह बात कहने के लायक है कि समाजवादी पार्टी जो मुद्दे उठा रही है वो बेरोजगारी का है, महंगाई का है, चिकित्सा स्वास्थ्य का है, जिसको लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उस प्रदर्शन को लेकर के जो विधानसभा है वो कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि प्रदर्शन समाजवादी पार्टी कर रही है, उसको उसके लेकर के विधानसभा को स्थगित कर दिया गया है, और ट्रैफिक को भी डायवर्जन कर दिया गया है। अभी तक इसमें किसी भी पार्टी की, क्या आज भी यहाँ पर सदन में विपक्ष को आने से मना किया गया था, विधानसभा में जाने के लिए मना किया गया था, कोई ऐसी वजह थी जिसकी वजह से यहाँ पर जो सपा है वो प्रदर्शन करती हुई नजर आई? क्योंकि विधानसभा से कुछ ही कदमों की दूरी पर सभी जो कार्यकर्ता थे, जो विधायक थे, खुद अखिलेश यादव इसमें मौजूद थे। बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव मौजूद थे, रविदास मल्होत्रा मौजूद थे, और नरेश उत्तम पटेल मौजूद थे, और तमाम विधायकों के गण उनके साथ मौजूद थे। और इस बात को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जो बेरोजगारी को लेकर के है, महंगाई को लेकर के, चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्यान देने को लेकर है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब विधानसभा में उस दिन ये घुस नहीं पाए थे, तो आज भी इन लोगों ने सड़कों पर धरना प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर भी काफी ज्यादा आक्रोशित है कि उनके विधायक जब सदन के सदस्य थे तो आखिर उनको विधानसभा के किस अधिकार के तहत रोका गया।
दूसरी बात, समाज क्या विरोध करना, इस लोकतंत्र में हत्या करार दिया गया है। अखिलेश यादव ने इस बात को लेकर के भी काफी नाराजगी जताई है कि अब उत्तर प्रदेश में किसी बात को लेकर के विरोध करना लोकतंत्र की हत्या के बराबर है और उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। वही बात आप सदन की बात है, सदन कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है सदन स्थगित हो गया है तो सदन में ये बात रखी नहीं जा सकती, इसलिए वो सड़कों पर ही इस बात को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हंगामेदार जो सदन है उसकी कार्रवाई की शुरुआत हो सकती है। देखिए दानिश, मेरा सवाल ये है कि क्या सपा के विधायकों को सदन के अंदर जाने नहीं दिया गया? आज भी क्या परमिशन नहीं दी गई थी? क्या उन्हें पहले ही रोक दिया गया इस वजह से प्रदर्शन शुरू हुआ, या पहले ही ये जो पैदल मार्च था ये प्रदर्शन सपा का शुरू हो गया था? नहीं, प्रदर्शन की तैयारी इनकी कल रात से ही हो गई थी, आज सुबह से ही इनकी प्रदर्शन की तैयारी थी, जिसको लेकर के कल बाराबंकी की बात की जाए तो बाराबंकी में जैसे पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप थे, उनको भी पुलिस ने जो है वहीं पे हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अब यहाँ पर लखनऊ में जो तैयारी थी वो आज विरोध प्रदर्शन की पहले से थी, यानी इनकी तैयारी उसी दिन के बाद से चल रही थी जिस दिन के बाद से इनके विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाई गई और विधानसभा में सदन में विधायकों को रोकने की अनुमति नहीं दी, रोकने का प्रयास किया गया, जिस बात से आज अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के विधायक तमाम कार्यकर्ताओं ने आज लखनऊ पहुंचकर इसका विरोध प्रदर्शन किया है और जिसके लिए तत्काल जो है कल तक के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई। तो जाहिर सी बात है जब विधानसभा स्थगित कर दी गई है तो अंदर अब तो कोई सदन का विधायक अंदर जा नहीं सकता है क्योंकि विधानसभा स्थगित कर दी गई है, तो जाहिर है इनका विरोध प्रदर्शन अब सड़कों पर ही है। और अभी तक का जो अपडेट ये है कि विरोध प्रदर्शन समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हुजूम है, जो अखिलेश यादव पार्टी के कार्यालय के बाहर है वो भी उनके कार्यकर्ता, विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कल तक के लिए कर दियो, लेकिन सपा का प्रदर्शन जारी है और हो सकता है कि कल ये प्रदर्शन और ज्यादा व्यापक हो सकता है। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने की। तो लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव अपने विधायकों के साथ पैदल मार्च कर रहे थे और बैरिकेडिंग करके उन्हें रोका गया है, साथ ही साथ विधानसभा की जो कार्रवाई है वो कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन विधानसभा लखनऊ विधानसभा के बाहर सपा का प्रदर्शन लगातार जारी है। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।